हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो अब तक हमारा शेष टॉपिक बचा हुआ था हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम करने वाले थे। आज लगभग 8 से 10 दिन बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट का मूल्यांकन चल रहा था, तो इस वजह से आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का जो टॉपिक शेष बचा हुआ था वो आज मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप बताने वाला हूँ। ठीक है, दो ही टाइप होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, इंटरमोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर। ठीक है, उनके नाम से ही स्पष्ट है, तो मैं उनके नाम के बेस पे ही आपको एक सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, देखें समझें, हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि मैंने अब तक आपको पिछली क्लास में ये कराया था कि हाइड्रोजन के जो प्रकार थे वो, पहले बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने की, फोन बताया था मैंने, क्या बताया था, फोन आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फोन यानी कि फ्लोरीन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन हो गए हमारे, ये वो भी तीन हाइड्रोजन की, इसकी एच एफ है, तो हाइड्रोजन यानी कोवलेंट बॉन्ड के साथ में मिलने के बाद भी ये जो होते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो अणु होते हैं वो आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं वो बॉन्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने आपको बताया था कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, वीक बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से टूट सकता है, क्लियर। इसी प्रकार से मैंने आपको जल के बारे में बताया था, जिसकी H2O है, H2O है, जब हम H2O की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, भाई H2O की जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये H2O की बनेगी भाई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक NH3 बताया था, अमोनिया के बारे में बताया था भाई, अमोनिया का जो अणु होते हैं आपस में जो मिले होते हैं एक दूसरे से वो किसके कारण बने होते हैं, किसके कारण मिले होते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, NH3 अणु हो गया। ठीक है, ये यानी कि एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, ये जो अणु आपस में मिले हुए हैं वो किसके कारण मिल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। और हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने आपको बताया था क्या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ट्रिक बस यही है, आप फोन ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, फोन, फोन का मतलब हो गया फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, ये केवल अब तक ये तीन ही तत्व ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन के साथ मिलकर। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तत्व अब तक केवल ये तीन ही हैं, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनकी इनकी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, क्लियर। मैंने ये पॉइंट आपको पिछली क्लास में कराया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल दो ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए भाई, बहुत ही देखो आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि इसकी पहला टाइप है इसका अंतर अणुक। ठीक है, कुछ बुकों में अंतरा अणुक भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, केवल आप इंग्लिश ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्जन एक ऐसा है जो आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आप हिंदी वर्जन में पढ़ेंगे तो दो टाइप से, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप से दे रखा है इसकी, इन अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, तो अंतर अणुक को जब हाइड्रोजन बंधन पढ़ेंगे तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारा अंता अणुक, अंता, अंतः आ गया, तो अंतः का मतलब इंट्रा, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मॉलिकुलर, यहाँ पे देखें इंटर और इंट्रा दो प्रकार के होते हैं, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड
और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के जो टाइप थे वो दो ही टाइप के हैं, इंटर मॉलिकुलर और इंट्रा मॉलिकुलर। तो फर्स्ट हेडिंग में आएंगे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इनकी परिभाषा लिखेंगे, लिखे हुए क्या लिखना है हमें, जब जब एक ही जब एक ही अणु सूत्र के यौगिक के अणु, जब एक ही अणु सूत्र के अणु, क्लियर, एक से अधिक संख्या में जब एक ही अणु सूत्र के अणु एक से अधिक संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। या दूसरी परिभाषा हम लिखेंगे, दूसरी परिभाषा हमें लिखना होगा इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। भाई इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की दूसरी परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक अणु आपस में जिस हाइड्रोजन बॉन्ड से दो या दो से अधिक अणु आपस में जिस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड H2O NH3 ETC, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे वो कौन सा कहलाएगा, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है हमारा जल, जैसे मैंने अभी आपको बताया जल के अणु आपस में एक दूसरे से जिस टाइप से मिले होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अमोनिया, मैं तीनों ही एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर से आप ट्रिक समझेंगे, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो या दो से अधिक अणु आपस में जिस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जिस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं वो हमारा बॉन्ड क्या कहलाता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्लियर, यानी कि इसमें अणु दो या दो से भिन्न होंगे, दो या दो से अधिक संख्या में होंगे, समान होंगे और दो या दो से अधिक संख्या में होंगे और किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। जैसे एग्जांपल में भी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया और जल के अणु, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए जैसे क्या है हमारा भाई, जैसे क्या है HF की जब आप संरचना बनाएंगे तो HF, ठीक है, HF ये डॉटेड बॉन्ड लग गया फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, फिर HF हो गया, फिर डॉटेड बॉन्ड लग गया फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा ये कौन सा बन रहा है, इंटर मॉलिकुलर
इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गया, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जल का मैंने आपको बताया था H2O, जब हम H2O की स्ट्रक्चर बनाएंगे, H2O की जब हमने स्ट्रक्चर बनाई तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए NH3 है, NH3 क्या भाई, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, NH3 है, जब हम NH3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारी NH3 की हो गई भाई, यहाँ पर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ मिलेगा, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है हमारा, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गया। इंटरमॉलिकुलर यानी कि दो अणु आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर जिस हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है क्लियर, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इनके अणु, नोट पॉइंट करके क्या लिखना है, सबसे बड़ी बात यह है किस हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु आपस में सहगुणित रहते हैं ठीक है, किस हाइड्रोजन बॉन्ड के, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूं, जो नीट में क्वेश्चन आता है अक्सर क्या आता है, यहां पे लिखेंगे किस हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु आपस में अगर हाइड्रोजन मिलने लगा हो तो केवल अगर ये आ जाए लग के ठीक है, किस, चलो अभी हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन, किस हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु आपस में सहगुणित रहते हैं एसोसिएट ठीक है सहगुणित रहते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, चौथा ऑप्शन है नोटा का मतलब इनमें से कोई नहीं क्लियर। फिर से क्वेश्चन देखें, किस हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु आपस में सहगुणित रहते हैं क्लियर, किस हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु आपस में सहगुणित रहते हैं, तो किसके रहते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि जैसे कि कोई भी हमारा एक एपरेटस है, हमने कोई भी एक एपरेटस ले लिया, इसमें हमने क्या काम करा, जल भरा हुआ है। अब हम इसमें, पहले हमारे पास 100 ml था, इसमें हमने 10 ml और डाल दिया तो यहां तक इसका लेवल आ जाएगा, अब यहाँ पे हो गया 110 ml, तो यहाँ पे जो 10 ml के जो अणु थे, वो इसमें क्या हो गए, सहगुणित हो गए बेटा, यानी कि एसोसिएट हो गए, और एसोसिएट का मतलब इन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि जल में हम पत्थर के कंकड़ डाल दें तो वो क्या एसोसिएट हो जाएंगे, नहीं होंगे। जल में आप ऑयल डाल दीजिए,
एसोसिएट हो जाएगा, नहीं यानी कि एसोसिएट का मतलब उनके साथ इस प्रकार जुड़ जाए, इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, कौन सा वो भी इंटरमोलिकुलर की उन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, एसोसिएट कहलाते हैं, पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, एसोसिएशन कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही था कि किस हाइड्रोजन बॉन्ड के अणु आपस में सागुणित हो जाते हैं, वो कौन सा है भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, कौन सा हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर टू, दूसरा टाइप है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, कौन सा टाइप है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लीजिए हेडिंग बनाइए, नंबर टू हेडिंग बनाएंगे, नंबर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, यानी कि अंता अणुक, अगर शब्द आ जाए अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, तब आपको ये लगाना होगा इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इंटर हो जाना, हम बोलते ना इंटर उसका अपोजिट है, कहीं बोलते हैं इंटर हो गया तो यानी कि अंदर, इंट्रा हो गया तो बाहर। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि एक अणु के भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर, लिखेंगे एक ही अणु के भीतर बनने वाले बॉन्ड, यहाँ पे लिखे परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ही अणु के भीतर बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहलाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्लियर हो गया भाई। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सैलिसैलिक एल्डिहाइड क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर इसके, भाई ये स्ट्रक्चर है सैलिसैलिक एल्डिहाइड की, ठीक है, सैलिसैलिक एल्डिहाइड है ये हमारा, क्या हो गया बेटा, सैलिसैलिक एल्डिहाइड हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है सैलिसैलिक एल्डिहाइड की, वो कौन सी बन रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चाहे आप इसको स्टेप से लिख सकते हैं भाई, दूसरा स्टेप से भी बना सकते हैं हम इसको, कभी कंफ्यूज हो जाए भाई, सैलिसैलिक एल्डिहाइड ये होता है हमारा सैलिसैलिक एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे हम OH भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ये H हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी कि जब एक ही अणु के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रो फिनोल हो गया हमारा इसके, यानी कि एक ही अणु के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचे कि आप सैलिसैलिक एल्डिहाइड के दो या दो से अधिक अणु ले लें, नहीं ले सकते,
एक ही अणु के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो हमारे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। क्लियर? इंटर और इंट्रा दो ही प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गया भाई? अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार वीडियो दोबारा से अवश्य देख लीजिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है। बाकी कल शाम को 8:30 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, कल शाम 8:30 बजे अवश्य मिलना, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, यहाँ जनरली पूछा जाता है। फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड बताइए, फिनॉल में पाई बॉन्ड बताइए, या बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं, डबल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, ये हम यानी कि बहुत ही सिंपल तरीका से, यानी कि सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं या पाई बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ये सब मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ कल शाम 8:30 बजे अवश्य आइएगा। कल शाम 8:30 बजे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।